गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टू टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर वन. ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल शेप. सेल शेप क्या होती है? हमारे पास सेल्स में हैव डाइवर्स शेप्स. सेल की बहुत सारी शेप्स हैं, सच एज अ पॉलीहेड्रल है, स्फेरिकल है, स्पिंडल शेप्ड है, एलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है एंड द डिस्कॉइडल एक्सेट्रा. मीन्स सेल्स की क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स. पॉलीहेड्रल मीन्स पॉली मीन्स मैनी मोर, हेड्रल मीन्स कॉर्नर. मीन्स ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं कॉर्नर्स हैं. स्फेरिकल शेप है, स्पिंडल शेप है, एलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है एंड द डिस्कॉइडल. ओके, ये देखो स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम भी दिखाए गए हैं. सबसे पहले देखो ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स इसकी टाइप है WBC की. ऑस्ट्रिच एग है, चोनोसाइट हो गया, मसल सेल, ओस्टियोसाइट, क्रोमेटोफोर, गोब्लेट सेल, ह्यूमन स्पर्म, एपिथेलियल सेल, लीवर सेल, फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल, डायाटोम, कैरेटियम एंड द डायाटोम. मीन्स आपको स्टूडेंट आपको पता लगे मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट क्या है शेप. नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइज. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज. स्टूडेंट्स आपको पता है सेल है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट हमने कहा ना सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म. मीन्स सेल क्या डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे शेप्स के होंगे. ओके, अब आगे देखो सेल साइज की बात की. द साइज ऑफ अ सेल ऑल्सो वेरीज कंसिडरेबली इन अ डिफरेंट एनिमल्स एंड द प्लांट्स. जो साइज ऑफ द सेल है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. वेरी कैसे कर रहा है? डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में. मीन्स उनका क्या है साइज कम ज़्यादा होगा. द एवरेज सेल साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 to 20 micrometer. जो नॉर्मल सेल का साइज है वो कितना होता है? 0.5 to 20 micrometer. इन ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट सेल इज, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? RBC. जो लॉन्गेस्ट वन है वो क्या है? नर्व सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया जो एवरेज साइज है वो 0.5 to 20 micrometer है. स्मॉलेस्ट सेल RBC है. लार्जेस्ट सेल हमारे पास क्या हो गया? नर्व सेल. ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या बात कर रहे हैं सेल नंबर की. अब किस चीज की बात हो रही है? सेल नंबर. द नंबर ऑफ द सेल्स इन लिविंग बींग्स डिफरेंट फ्रॉम द वन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मैनी इन मल्टी सेलुलर फॉर्म्स. स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है, मैं आपको करा चुकी हूँ यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर में क्या होगा? एक सेल होगा. मल्टी सेलुलर में क्या होंगे? मैनी मोर. ये क्या कहता है? द नंबर ऑफ द सेल्स इन द लिविंग बींग्स डिफरेंट फ्रॉम द वन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू मैनी इन मल्टी सेलुलर फॉर्म्स. ओके स्टूडेंट, मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, नंबर ऑफ द सेल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. आगे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ द सेल्स. वो कहते हैं जो नंबर ऑफ द सेल्स है नॉट डेफिनेट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या डेफिनेट नहीं है, मे इंक्रीज अलॉन्ग विद द ग्रोथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मीन्स जो नंबर ऑफ द सेल्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट नहीं है. ये क्या होते हैं? टाइम के साथ, बॉडी वॉल्यूम के साथ, बॉडी ग्रोथ के साथ, बॉडी डेवलपमेंट के साथ इंक्रीज एंड द डिक्रीज होते रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स आज हमने क्या पढ़ा? एक तो सेल शेप के बारे में पढ़ा. सेल शेप में हमने क्या क्या पढ़ा था मैं आपको दोबारा बताऊँ. सेल शेप में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द शेप्स पढ़ी. स्पिंडल शेप पढ़ी हमने, पॉलीहेड्रल पढ़ा हमने, ओवल, एलोंगेटेड. ये देखो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, ब्रांच, डिस्कॉइडल. ओके, मीन्स सेल की क्या है? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं. आगे हमारे पास सेल साइज था. सेल साइज आपको पता है 0.5 to 20 micrometer है. स्मॉलेस्ट सेल हो गया हमारे पास RBC. लॉन्गेस्ट सेल हो गया हमारे पास नर्व सेल. सेल नंबर क्या है हमारे पास? सेल नंबर क्या होता है? डिफरेंट है. यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर में वन है. मल्टी सेलुलर में क्या है? मैनी मोर सेल्स हैं. और जो सेल नंबर है
अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। ओके आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। कल हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, हम एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम कल से रीड करेंगे। ओके थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।